फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं टाइम लैप्स के बारे में, जैसे कि हम टाइम लैप्स कैमरा सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे फ्रेंड्स सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा सेटिंग पे जाना है। कैमरा सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको मोर वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है टाइम लैप्स, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर टाइम लैप्स में एक वीडियो बनाने वाले हैं, जो वीडियो जो है बहुत ही स्लो बनानी होगी, फास्ट नहीं बनानी है फ्रेंड्स, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हमें वीडियो को स्टॉप कर देना है, स्टॉप करते हैं अब हमारी वीडियो को चेक कर सकते हैं, जो कि फास्ट हो जाएगी। ये देखिए कितनी फास्ट हो गई है। तो इसी को बोलते हैं टाइम लैप्स, इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं और भी ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसको कट करेंगे। कट करने के बाद दोबारा जाएंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है स्टिकर, तो स्टिकर देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है स्टिकर्स हो जाते हैं, जैसे कि इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं, जैसे कि आपको ये जो सेटिंग है वहाँ पर शो हो जाएगी। ये देखिए ये शो हो गई है फ्रेंड्स, और इसमें जितने भी ऑप्शन है आप उसको डाउनलोड करके लगा सकते हैं। तो उम्मीद है फैन वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फ़ोन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं।